प्रधानमंत्री का काफिला जहां से भी गुजरता है उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। काफिले में कई गाड़ियां शामिल होती हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होती हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में उन गाड़ियों को शामिल किया जाता है जो हर स्थिति का सामना कर सकती हैं, इसीलिए इनकी कीमत भी अधिक होती है। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले में किन गाड़ियों को शामिल किया गया है और वे कौन सी गाड़ियां हैं जिनमें प्रधानमंत्री सफर करते हैं या फिर उनके काफिले में शामिल होती हैं। रेंज रोवर सेंटिनल। रेंज रोवर को भारत के प्रधानमंत्री के लिए सबसे अहम माना जाता है। रेंज रोवर सेंटिनल बुलेट प्रूफ है जो कई सारे मॉडिफिकेशन के साथ आती है। इस गाड़ी के मॉडिफिकेशन को प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए किया जाता है। ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार मात्र 10 सेकंड में पकड़ सकती है। इसकी कीमत 2 से 4 करोड़ रुपए के बीच में आकी गई है। टोयोटा फॉर्च्यूनर। इस गाड़ी को सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम माना जाता है। हालांकि इन गाड़ियों में अक्सर SPG के जवान सफर करते हैं। गाड़ियों पर स्पेशल एंटीना लगे रहते हैं जिसकी मदद से हर टेक्निकल जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। टोयोटा लैंड क्रूजर। इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 1,47,00,000 रुपए के आसपास है। हालांकि इस गाड़ी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कभी कभार ही करते हैं, लेकिन ये गाड़ी भी प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल रहती है। मर्सिडीज वेंज स्प्रिंटर वैन। प्रधानमंत्री के काफिले में एक मेडिकल वैन हमेशा मौजूद रहती है। अगर किसी हादसे में किसी को नुकसान पहुंचता है तो इस वैन में सारी सुविधाएं मौजूद रहती हैं। मर्सिडीज वेंज स्प्रिंटर वैन मेडिकल वैन के रूप में इस्तेमाल फिलहाल किया जा रहा है। इन गाड़ियों के अलावा प्रधानमंत्री के काफिले में टाटा सफारी, रेंज रोवर और दूसरी गाड़ियां भी देखी जा सकती हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।